क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं, चाहे वह किसी चीज हो या फिर कोई इंसान। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आपके मन पसंद चाहत को आपके पास लाने के लिए गाइड करूंगा, जिसके चलते आप सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि ऐसा होता तो सब अमीर नहीं होता, सभी सफल नहीं होता और सफल के साथ बहुत खुश भी नहीं होता। तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए और इस वीडियो को देखिए। आपके सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जिस सिद्धांत से आप लोगों के सपने सच होंगे, उस सिद्धांत का नाम आकर्षण के नियम है। सबसे पहले जान लेना अति आवश्यक है कि आकर्षण का सिद्धांत क्या है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आकर्षण के नियम का एक हिस्सा है। खैर अभी हम गुरुत्वाकर्षण को साइड करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड प्योर एनर्जी है। आपके सभी विचारों से एक एनर्जी प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई विशाल ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का अर्थ है कि जब कोई घटना में इकाई समय पर वह फ्रिक्वेंसी जितनी बार सेक मतलब घटित होती है तो उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी आपस में मिलते हैं तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। तो बात करते हैं दोनों फ्रिक्वेंसी मतलब दोनों ऊर्जाओं की मिलान कैसे करें। दोनों ऊर्जाओं को मिलान करने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। इन स्टेप को बताने से पहले मैं कुछ बता दूं कि यह नियम आत्मा के लेवल पर काम करता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया का निर्माण परमात्मा ने किया है, इस बात को हम संदेह नहीं कर सकते। चाहे ये दुनिया जिस तकनीक से बना हो हम उसे परमात्मा का नाम देते हैं। और ये बात भी आपको पता है कि हम आत्मा को जानकर परमात्मा को जान सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बात भी कभी ना भूलिएगा कि हम सब उस परमात्मा का एक हिस्सा है। खैर इन बातों को अभी साझा नहीं करेंगे। मैं कह रहा था कि यह नियम आत्मा के लेवल पर काम करता है। आपने चेतन तथा अवचेतन मन के बारे में जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों को समझे बिना आप इस नियम पर काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चेतन मन के बारे में जान लेते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो बात कही जाती है या हमें बताई जाती है तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरा ध्यान से करते हैं। जैसे अगर आप कार चलाना जानते हैं तो जब पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब ब्रेक लगाना है, हमारा पूरा ध्यान कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो भी हम देख रहे हैं वो सब चेतन मन का उदाहरण है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन आपके दिमाग का 90% होता है, जिसमें आदतें, मान्यताएं, भावनाएं, प्रतिक्रियाओं, मजबूत मेमोरी, अंतर्ज्ञान आदि होते हैं। अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने वाली एग्जांपल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब हमें ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते समय हम फोन पर बात कर सकते हैं, बगल वाले व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारी आदत बन जाती है और आदत हमारी अवचेतन मन के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में खाना खाए तो वो हमारे मुंह में जाएगी ना कि नाक में। अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है। जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो जस्ट आपको कार का उदाहरण दिया हूँ, लेकिन यह अवचेतन मन हर समय आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आपका सचेत मन जो भी विश्वास करता है उसे अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है, और जो भी चीज अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है वह चीज आपकी जिंदगी में होने लगती है। लेकिन विश्वास आसानी से नहीं होता। आपका सचेत मन अभी तक जो भी पुरानी परिस्थितियां या पुरानी अनुभव देखा या फिर किया उसी पर विश्वास करता है। अगर आप नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका सचेत मन शायद या फिर होगा कि नहीं, ये दोनों शब्दों को लगा देता है। इसका मतलब यह है कि आपका सचेत मन उसी परिस्थिति पर डाउट करता है। और आकर्षण का नियम यह कहता है कि जब आपका सचेत मन पूरा विश्वास करता है तो आपका अवचेतन मन विश्वास करता है, उस विश्वास को हकीकत बना देता है। इस नियम को सही से काम करने के लिए 3
स्टेप को फॉलो करना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जरा सा भी यात्रा तय नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, विश्वास करना कि जो भी आप चाहते हैं पा सकते हैं, वैसा अटूट विश्वास आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात, ठीक वैसे ही फीलिंग को महसूस करना होता है जैसे कि आप उस चीज को पाकर करते हैं जिसे आप पाना चाहते हो। लेकिन हमें देखने में तो ये लगता है कि ये बस इतनी सी कहानी है कि हमें तीन स्टेप को फॉलो करना है फिर हम जो चाहते हैं पा सकते हैं। लेकिन इन तीन स्टेप को फॉलो करने में ही कई लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक आपको अपना पैशन नहीं मिल जाता तब तक आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आप हकीकत में क्या चाहते हो। आपका पैशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने बारे में जानते ही ना हो कि आप हो कौन और आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है और कैसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हो। और आपको ये सब जानने के लिए माइंड के लेवल से ऊपर उठना होगा और उसके लिए आपको बहुत से चीजों के और खुद के डीप में जाना होगा, तभी आप इस नियम को सही से यूज कर पाओगे। इसीलिए तो जब हम अपने दिमाग को ऑर्डर देते हैं कि हम करोड़ों रुपए एक साल में कमाना चाहते हैं या एक महीने में कमाना चाहते हैं और उस चीज के बारे में हम कई बार इमेजिन भी कर लेते हैं, लेकिन इस सब चीजों को पाने के लिए कुछ करने की पारी आती है तो हमारा दिमाग ही उस चीजों को पाने के लिए किए जाने वाले कामों में टाल मटोल करने लगता है। और जब हम उस काम को ही उसके लिए नहीं कर पाते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि क्या हम वो सब पा सकते हैं, जबकि हमारा विश्वास करना जरूरी होता है। यही तो इस नियम का दूसरा स्टेप होता है। जब दूसरा स्टेप ही पूरे नहीं होते तो तीसरा स्टेप अपने आप ही पूरे नहीं होते। और इसी प्रकार यह नियम कुछ लोगों के लिए कल्पना बनकर रह जाती है और इस नियम को बेकार कहने लगते हैं, जबकि कुछ लोग इसी नियम को सही से यूज करके बहुत कुछ प्राप्त कर जाते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो श्रद्धा रखते हैं और जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो चीज या वो परिस्थिति उनकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। यह आया हुआ परिस्थिति उस व्यक्ति के श्रद्धा और विश्वास का ही नतीजा है। आकर्षण के नियम का मुख्य बिंदु विश्वास है। इस नियम को आजमाने के लिए कई तरीका है, लेकिन हर तरीकों में विश्वास का होना अति आवश्यक है। और बात मैं इस वीडियो में बोला हूं कि यह नियम आत्मा के लेवल पर काम करता है। आपको आत्मा तक पहुंच बनाने के लिए अपने सचेत मन पर काबू पाना अति आवश्यक है, क्योंकि इस नियम को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको अपने दिमाग पर काबू होना चाहिए, तभी आप अपने दिमाग को विश्वास दिला पाओगे। मान लीजिए आपकी परिस्थिति पैसों के मामले में अच्छी नहीं है और आपका उस परिस्थिति के अनुसार उम्मीद ज्यादा है, जैसे आपके पास कार नहीं है और आप अपने दिमाग को ये कह रहे हो कि मेरे पास पहले से कार मौजूद है, तो आपका दिमाग ये कहेगा क्यों झूठ बोल रहा है, तेरे पास कार नहीं है रे। मतलब आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर है। तो आपका दिमाग आपकी बात नहीं सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा। अगर आपका दिमाग ही विश्वास नहीं करेगा तो वह संदेश अवचेतन मन तक कैसे पहुँचेगा, और अवचेतन मन तक नहीं पहुँचेगा तो आपका सपना साकार नहीं होगा। कुछ ऐसे और भी ट्रिक्स हैं जिसके मदद से आप अपने सपने को आपके अवचेतन मन में साकार रूप में विश्वास दिला सकते हो। अब इसके लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन कितना समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में होता है। तो आपका अवचेतन मन सोने से कुछ समय पहले और सुबह उठने के बाद जस्ट कुछ सेकंडों के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो आपको ये करना होगा कि जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर सीधी कमर कर लेट जाओ, आंखें बंद कर 10 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान सांसों पर लाओ। 10 मिनट तक अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, इमेजिन करें कि वह आपको मिल चुका है। यह महसूस करें कि जब वह चीज आपको मिल जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, उस फील को बनाए रखें। ये रात वाली स्टेप मैंने बता दिया, लेकिन सुबह आपको करना ये होगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कुछ समय के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। वही चमत्कारी समय है जिसमें आप जैसे सोचते हो वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है। आपने ये तो देखा होगा कि आपकी सुबह बेकार हो जाती है तो आपकी दिन खराब हो जाती है। जब सुबह सुबह उठते हो और आपकी सुबह खराब हो गई तो आप अपने मन में ये सोचते हो कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया हूँ कि सुबह उठने के बाद वाली समय बहुत शक्तिशाली होती है। इस समय में आप जो भी सोचते हो वो आपकी जिंदगी में होता है। आपने उठने के बाद यह बोला कि आज, जी हाँ आज वैसे ही जाएगी जो
आज के लिए आप सोचते हो। अगर आप आज के बदले जिंदगी वाले शब्द को बोलते तो वह आपकी जिंदगी को प्रभावित करता। इस शक्तिशाली समय में कुछ भी सोच सकते हो। अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो आपके साथ आपकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर नकारात्मक सोचोगे तो आपके साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही सुबह की समय आपकी विश्वास पर आपकी जिंदगी की यात्रा तय करती है। आपके मन को विश्वास दिलाने के लिए आपको अपने मन में काबू पाना सीख लेना चाहिए। अगर आपका सचेत मन आपके गुलाम बन जाएगा तो आप जिंदगी में सब कुछ पा लोगे। एक कड़वा सच जान लो भाई, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो दिमाग के लोचे से उत्पन्न इच्छाएं खत्म हो जाएगी और आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाओगे। आप सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखने लगेंगे। आपकी अहंकार गुस्सा आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। आप हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे। न जाने बहुत प्रकार की अच्छाइयां आपके अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं अपने दिमाग पर काबू कैसे पाएं। अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए आपको अपना छठी इंद्रिया को जागृत करना होगा। मतलब इसके लिए आपकी छठी इंद्रिया का जागरण होना अति आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ चुके होंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग मतलब आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में दिखाई दे और आप उसे क्लिक करें और मेरे वीडियो का आनंद ले सके।